हेलो स्टूडेंट्स यू मैं आशा कर रही हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपको काफी कुछ व्यापार के बारे में व्यवसाय के बारे में बिजनेस के बारे में जानकारी हो रही है है ना तो मैं और आप फर्स्ट टू एंड हम किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम कर रहे हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है क्या क्या उसमें प्रक्रियाएं होती है क्या क्या उसमें टैक्स लगाए जाते हैं समाज के प्रति तो क्या दायित्व है कितने, तरह के, कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है ठीक है तो हम फर्स्ट टू सारी जो बातें कर रहे हैं मेरे लेक्चर के दौरान वो किस विषय में कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिजनेस के विषय में व्यवसाय के विषय में ठीक है आप जैसा जानते हैं कि बिजनेस जो है व्यापार बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ठीक है तो हम इसी विषय में अलग अलग तरीके से बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलेंगे और यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप उसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं ठीक है तो आज का जो हमारा टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से समझें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस एंड सोसाइटी ठीक है यहां पे हम क्या किस चीज की बात कर रहे हैं आज आज हमने टॉपिक लिया हुआ है बिजनेस और सोसाइटी मतलब व्यापार और समाज जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है जो कि ऐसी कोई एक्टिविटी ऐसी कोई मानवीय क्रिया जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है वो व्यापार कहलाती है वो बिजनेस कहलाती है ठीक है और समाज से क्या तात्पर्य है समाज मतलब मैं और आप दो या दो से अधिक लोग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं समाज का निर्माण करते हैं ठीक है जहां अलग अलग वेशभूषा के अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग धर्म के जाति के लोग एकजुट कर एकजुट होकर आपस में मिलजुल करके रहते हैं इस भारत का निर्माण करते हैं इस दुनिया का निर्माण करते हैं सभी अलग अलग तरह के लोग जिनकी अलग अलग तरह की सोच होती है अलग अलग तरह की पसंद होती है अलग अलग तरह की आवश्यकताएं होती हैं रिक्वायरमेंट होती है ये सारे लोग जो हैं किसके अंतर्गत आ रहे हैं ये हमारे समाज के अंतर्गत आ रहे हैं है जिसमें हर एक व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है ठीक है ये हमने समाज का उदाहरण दिया है ना अब वो समाज पे भी जाए आप सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है लेकिन हम सिर्फ यहां पे व्यापार और समाज को लेकर चल रहे हैं ठीक है अब हम व्यापार और समाज को जो है वो एक साथ करके देखते हैं कि इसका आखिर ये टॉपिक मैडम ने क्यों चुना है आखिर क्यों इसको जरूरत है समझना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस टॉपिक को ध्यान से समझे कि व्यापार और समाज तो यहां पे जो व्यवसाय के सामाजिक दायित्व तो है जो हमारा आज का जो पॉइंट है व्यवसाय के सामाजिक दायित्व तो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जो ग्राहक है ना वो ग्राहक जो होता है वो बाजार का राजा होता है ग्राहक कौन हो गए मैं और आप हो गए समाज हो गया है ना अब व्यापार जो है वो ग्राहक के बिना संभव नहीं है और ग्राहक के पास में यदि व्यापार नहीं है तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि पहले हम जाएं बहुत समय पहले की बात है तो वहां पर व्यापार और व्यवसाय का विस्तार नहीं था लेकिन उस समय के मनुष्य किस तरह का जीवन जीते थे ये आप लोगों को को भी पता है कि यदि व्यापार और व्यवसाय का विस्तार उस समय नहीं हुआ था तो उन लोगों के पास में ना कपड़े होते थे ना उन लोगों ने कोई छाल के कोई पत्तों के वस्त्र उन लोग धारण करते थे इस तरीके से उनके जो फूड रहते थे खाने की चीजें रहती थी वो भी एकदम सिंपल रहती थी कुछ चीजें पकाई जाती थी कुछ चीजें पकाई नहीं जाती थी तो उनकी जो जीवन शैली थी उनकी जीवन जीने का जो एक परंपरा थी वो किस तरह की थी ये आप भी समझते हैं तो उसमें अगर व्यवस्था में क्या था क्योंकि व्यवसाय जो है वो व्यवसाय का विस्तार नहीं हुआ था विकास नहीं हुआ था ठीक है तो इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि ग्राहक समाज व्यवसाय के लिए कितना उपयोगी है और यदि व्यवसाय नहीं है तो समाज और ग्राहकों को जो व्यक्ति हैं उनको कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है एक कहावत है बहुत ही फेमस है कि आवश्यकता ही अविष्कार की जननी है यदि आवश्यकता ही है तो ही आविष्कार संभव है और आवश्यकताएं कैसे पैदा होंगी हम और आप मिल करके आवश्यकताओं को पैदा करेंगे कि हमें इस चीज की जरूरत है हमारी सुख सुविधा के लिए हमें जो दिनचर्या में यूज होने वाली चीजें हैं उनकी आवश्यकता है फूट में जरूरी है कपड़ों की जरूर, जरूरत है हर एक ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है जो हमारे जीवन शैली को बहुत ही आसान और आरामदायक बनाती है ठीक है तो हमारे समाज को बहुत अच्छी प्रोग्रेस देने के लिए तरक्की देने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस देने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अच्छे व्यापार और व्यवसाय का निरंतर निरंतर बढ़ते रहना ठीक है लेकिन यदि हम इस चीज की बात करें कि व्यवसाय सिर्फ ये सोचे कि मेरा उद्देश्य लाभ कमाना है अन्यथा कोई चीज हम मुझे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है तो ये गलत होगा ये रॉन्ग होगा क्योंकि व्यवसाय किससे चल रहा है व्यवसाय समाज से चल रहा है अगर समाज के लोग नहीं रहेंगे तो व्यवसाय को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा प्रोग्रेस कैसे मिलेगी प्रॉफिट वो किससे अर्न करेगा प्रॉफिट किससे अर्न अर्न करता है अर्न करता है है व्यवसाय प्रॉफिट मुझसे आपसे ग्राहक से समाज से ठीक है और उसकी प्रोग्रेस भी के लिए जो सपोर्ट करता है वो भी हमारा समाज करता है तो ये नॉर्मल सी बात है कि व्यवसाय को समाज के लिए सोचने की बहुत आवश्यकता होती है व्यवसाय को समाज को लेकर के अपनी हर तरह की प्रतिक्रिया जो उत्तरदायित्व है जो जिम्मेदारी है वो व्यवसाय को समाज के लिए निभाना चाहिए तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी चीज पर है और हम इसी चीज पर बात करेंगे कि व्यवसाय जो है वो समाज के लिए उसके क्या क्या उत्तरदायित्व है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोसाइटी के लिए ठीक है तो आज सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है व्यवसाय के सामाजिक दायित्व इसमें फर्स्ट हम लेंगे प्राकृतिक संपदा व्यवसाय को चाहिए कि वो प्राकृतिक संपदा को नष्ट ना होने दे ठीक है चाहे वो जंगल हो चाहे वो किसी तरह की, की प्राकृतिक संपदा हो उसको वो अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से समाप्त ना करे बल्कि उसको और सुरक्षित रखे है ना ताकि हमारा भारत देश का जो एक प्राकृतिक संपदा है वो सुरक्षित भी रह सके और व्यापार अपनी जगह से उन्नति कर सके उसका विदोहन प्राकृतिक संपदा का विदोहन नहीं करना चाहिए व्यवसाय को चाहिए कि उसको सुरक्षित रखे सेकेंड जो पॉइंट है वो है उपभोक्ता का क्षेत्र उपभोक्ता के क्षेत्र में सबसे पहले क्या आ जाएंगे ऐसी चीजें उपभोग करने वाले ऐसी चीजें जो उस सामग्री को जो कि एक प्रोडक्शन जो एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको यूज कर रही हैं उसको उपभोग कर रही हैं उपभोक्ताओं का क्षेत्र ठीक है जो भी उस सामान उस को सामग्री को उपभोग कर रहा है उन पर ध्यान देना उचित है उसके लिए क्या चाहिए व्यापार को सबसे पहला उसके लिए यह चाहिए कि वो उच्चतम क्वालिटी का माल अच्छी गुणवत्ता का माल कम कीमत पर अपने ग्राहकों को भेजे सबसे पहली बात दूसरा व्यापार की जिम्मेदारी होती है कि

जो भी वस्तुओं की जो आवश्यकता पड़ रही है उनकी पूर्ति करना समय समय पर करते रहना, निरंतर करते रहना, ताकि पहुंच पाए लेकिन उस जो वस्तु है उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही उच्चतम गुणों वाली होनी चाहिए उच्चतम गुणों गुण होने के साथ साथ में उसमें यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें कितना प्राइस कितना कम से कम कम प्राइस में ये सामान हमारे जो कस्टमर हैं जो ग्राहक हैं, उनको उपलब्ध हो सके मतलब कि उच्चतम क्वालिटी का माल कम कीमत पर उपलब्ध हो सके समय समय पर उपलब्ध हो सके ठीक है और उसके लिए हम क्या और लाभ और क्या क्या सेवाएं और कितना अच्छा कर सकते हैं व्यापार को यह चाहिए कि वो उपभोक्ताओं के क्षेत्र में ये कार्य उसे करना चाहिए उसका यह उत्तरदायित्व है थर्ड पॉइंट है विनियोक्ताओं को लाभ व्यापार में विनियोक्ताओं से तात्य पर है अंशधारी पूंजीपति और ऋणदाता ठीक है आप अच्छे से जानते हैं कि बिना फाइनेंस के बिना पूंजी के कोई भी व्यापार चलना संभव नहीं होता जैसे शरीर में रक्त का शरीर में रक्त जरूरी है वैसे व्यापार में फाइनेंस जरूरी है वित्त जरूरी है ठीक है <coughs> तो यहां पे अंशधारी जिन्होंने अपने अंश लगाए हैं शेयर्स लगाए हैं व्यापार में जो पूंजीपति जिन्होंने अपनी पूंजी व्यापार में डाली है लगाई है ठीक है और ऐसे ऋणदाता जिन्होंने उस व्यापार को ऋण प्रदान किया है उनको सही मात्रा में लाभांश देना उनको सही मात्रा में लाभ देना ये किसकी जो जिम्मेदारी है ये व्यवसाय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्यवसाय का उत्तरदायित्व है ठीक है तो ये विनियोक्ताओं को लाभ हो गया फिर है श्रमिक व कर्मचारी <coughs> श्रमिक व कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे लोग जो उस कंपनी में कार्य करते हैं ऐसे लोग जो उस कारखाने में कार्य करते हैं वो वहां के कौन है श्रमिक है और कर्मचारी है ठीक है अब यहां पे हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं क्या व्यवसाय यदि अपनी संस्था में जुड़े हुए कर्मचारी को श्रमिकों को सिर्फ कार्य दे बर्डन दे ना उन्हें कोई मेथड बताए ना कोई उसे विधि बताए सिर्फ उनको बोल दे कि बस, बस आपको ये वाला कार्य करना है लेकिन ना ही उनको कोई तरीका बता रहा है ना ही उसको काम को प्रोग्रेस लाने के लिए वो उनके उनकी कुछ हेल्प कर रहा है ना ही उसके मनोरंजन का कोई साधन जुटा रहा है ना ही उसको आगे बढ़ने के लिए कोई तरक्की प्रदान कर रहा है चाहे वो आर्थिक चीजों से जुड़ा हुआ हो या सामाजिक चीजों से जुड़ा हुआ हो उस व्यक्ति की कभी भी इच्छा नहीं होगी कि वो उस संस्था में कार्य करे और अगर किसी व्यवसाय में व्यक्ति या श्रमिक या कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे वो संस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि ये पूरा टीम वर्क होता है टीम वर्क के साथ ही कोई संस्था आगे बढ़ पाती है आगे चल पाती है कोई उद्योग धंधे आगे चल पाते हैं क्योंकि इसमें श्रमिकों का और कर्मचारियों का विशेष योगदान होता है उनकी योग्यता उनका अनुभव उनके कार्य करने की शक्ति एकजुट होकर के कार्य करने की शक्ति किसी भी व्यवसाय को बहुत ही अच्छा स्वरूप दे सकती है बहुत बहुत ही आगे ले जा सकती है तो व्यवसाय को क्या चाहिए कि जो लोग उसके मतलब उसका अंग हैं उसके हाथ पैर हैं जिस व्यवसाय का तो वो उनके लिए ऐसी-ऐसी चीजें करे ताकि उनको संतुष्टि के साथ वो खुशी-खुशी कार्य कर सकें तो सबसे पहला क्या आता है कि व्यवसाय को चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है और जो छोटे कर्मचारी हैं उनको इतनी अच्छे तरीके से इतनी अच्छे मेथड से कोई भी प्रोडक्शन का कार्य या कोई ऐसा कार्य करना सिखाए जिससे कि बहुत ही कम समय में वो अपना कार्य कंप्लीट कर सके पहला दूसरी बात यह होती है कि श्रमिकों को समय समय पर आर्थिक मदद मिलनी चाहिए बोनस मिलने चाहिए कमीशंस मिलने चाहिए ताकि उनका जुड़ाव उस काम के प्रति हो सके उसके बाद उनके मनोरंजन के लिए बहुत सारे क्लब्स बनाए जाने चाहिए कुछ गार्डन्स बनाए जाने चाहिए ताकि वो कार्य करने के बाद में वहां पर सुरक्षित पूर्ण अपने परिवार के साथ समय बिता सके ये भी व्यवस्था जरूरी है, ठीक है? ठीक तो ये सारी सुविधाएं जो है वो श्रमिकों और कर्मचारियों को देती रहनी चाहिए जैसे उनको आ, कुछ पैसा ई की सुविधा हो गई उसके बाद में आ, मतलब आ, चिकित्सा की सुविधा हो गई उनके बच्चों को पढ़ाने की सुविधा हो गई उनको घर देने से संबंधित चीजें हो गई यदि कोई बड़ी कंपनी है और वहां पे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं तो उनको कई फैक्ट्रियां हाउस प्रोवाइड करवाती हैं हॉस्पिटल की सुविधा देती हैं उनको बच्चों बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल्स वगैरह की सुविधा देती हैं क्यों देती हैं वो सारी चीजें इसलिए देती हैं ताकि कर्मचारी को या वर्कर को कहीं भी जाने की आवश्यकता ना पड़े और वो उस फैक्ट्री या उस मिल के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से अपना पूरा समय लगा सके पूरा समय दे सके ताकि और उससे क्या होगा श्रमिक और कर्मचारी बहुत ही ईमानदारी के साथ उस संस्था के लिए कार्य कर रहा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो बिजनेस बहुत ही आगे प्रोग्रेस करना ही करना है ठीक है तो ये व्यवसाय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये हमारे व्यापार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि श्रम श्रमिक और कर्मचारी कौन है ये हमारे समाज का ही एक हिस्सा मैं और आप हैं ठीक है तो इसके लिए व्यवसाय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह श्रमिक और कर्मचारी को किस किस तरीके से सपोर्ट करे यदि उनके लिए फ्री चिकित्सा की व्यवस्था करवाता है फ्री चिकित्सा की सुविधाएं दिलवाते हैं तो क्या होगा इमरजेंसी आने पर उन्हें ज्यादा पैसे, पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका अच्छे से इलाज संभव हो सकेगा उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे और उसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस तरह की सुविधाएं अगर कंपनियां देती हैं तो हमारे श्रमिक और कर्मचारी एकजुट होकर के कार्य करते हैं और वो संस्था निरंतर आगे बढ़ती चलती है ओके नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है हमारा पांचवें नंबर का जो पॉइंट है वो है देश की सरकार आप कहेंगे कि देश की सरकार मैडम यहाँ पे बिजनेस और समाज बिल्कुल सरकार देश की सरकार भी इसी के अंतर्गत आ रही है इसी टॉपिक के अंतर्गत आ रही है वो कैसे आ रही है जब हमारे देश की सरकार हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाओं का विस्तार करती है विकास करती है इतनी सारी योजनाएं निकालती है समय समय पर व्यापार को प्रोत्साहन देना समय पर समय पर व्यापार को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी लेती है ठीक है नए नए तरीके के लोन प्रोवाइड करती है अपने युवा वर्ग को प्रोत्साहित करती है कि और इतनी सारी योजनाएं निकालती है सपोर्ट करने के लिए किसके लिए व्यापार के लिए कि व्यापार जो है आगे बढ़े प्रोग्रेस करे और वो एक व्यक्ति यदि व्यापार खोलता है तो उसमें इतने सारी

हमारे व्यापारियों को चाहिए कि वो समय समय पर सरकार को आयकर टैक्स चुकाए जो आप अगर आप कहेंगे कि टैक्स का मैडम बनाइए लेक्चर तो मैं टैक्स का भी लेक्चर बना दूंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये टैक्स हर किसी को समझना बहुत जरूरी होता है ठीक है कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स क्या होती है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वेट क्या होती है जीएसटी ये सब क्लियर होना आप लोगों को बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं यदि आप बोलेंगे तो मैं लेक्चर बना दूंगी बट सर्च करना चालू रखिए इस चीज को इस पॉइंट को टैक्स को ठीक है तो देश की सरकार के लिए व्यापारियों का क्या उत्तरदायित्व है व्यापार का क्या उत्तरदायित्व है कि वो समय समय पर कर भरे टैक्स भरे उससे क्या होगा हमारे भारत देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा टैक्स क्यों लिया जाता है सुरक्षा व्यवस्था के लिए चिकित्सा व्यवस्था के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारे देश के निम्न वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक उन्नति के लिए सड़कों की योजना पर रिलेटेड मतलब कुछ भी है जो टैक्स लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए उसको सुधारने के लिए ठीक है तो हमारे व्यापार व्यापार को व्यापारियों को यह सोचना चाहिए कि हम टैक्स की चोरी ना करें और समय समय पर कर का जो है वो भुगतान देश की सरकार को करते जाएं ये सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है किसकी व्यापारियों को की और हमारे व्यापार की अब पर्यावरण सुधार पर्यावरण सुधार चलिए मैं आपको एक चीज बता रही हूं पर्यावरण सुधार से तात्पर्य हमारे हमें जीने के लिए किसकी आवश्यकता है हमें अच्छे वातावरण की आवश्यकता है समाज को किसकी आवश्यकता है एक अच्छे वातावरण की आप ये बोलेंगे कि, कि केमिकल्स में रहना है केमिकल कहीं पैदा हो तो वहां पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी हो जाएंगी ना और पर्यावरण जो है वो क्या करता है वो हमें फ्रेश एयर देता है ठीक है हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे भारतवर्ष में क्या होना चाहिए पेड़ उगाए जाने चाहिए तो पर्यावरण को प्रदूषण से प्रदूषण से बचाना चाहिए जहां बहुत सारी शोरगुल मशीनरीज की आवाजें ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण ठीक है जल प्रदूषण ये सब कैसे संभव है ये बताइए इसके लिए जिम्मेदार होती है हमारे हमारा व्यवसाय हमारा उद्योग ठीक है इसी के लिए जिम्मेदार होता है कि कई बार जल प्रदूषण होते हैं कई बार वायु प्रदूषण होते हैं कई बार ध्वनि प्रदूषण जो हो रहे हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है इन्हीं चीजों की होती है तो हमारे व्यापार का क्या उत्तरदायित्व तो बनता है हमारे व्यापार का उत्तरदायित्व तो बनता है यदि कंपनी यदि फैक्ट्रीज से कुछ ऐसे वेस्टेज निकल रहे हैं ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं जो कि हमारे वातावरण को हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं प्रदूषण फैला रहे हैं उनकी रोकथाम कैसे की जाए उनकी रोकथाम के लिए उपाय क्या है ताकि वो पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित ना कर सके हमारे पेड़ नहीं कटवाए जाने चाहिए यदि कुछ संख्या में कहीं पे कटवा कटवाए जा रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर बहुत जरूरी महत्वपूर्ण है तो तो कटवाए जा रहे तो उतने ही आप पेड़ लगवाएं, सबसे पहली बात तो उसके बाद में तो हमारे वातावरण जो व्यापार है उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो अपने पर्यावरण को बचाए ना कि सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रियाएं करते जाए क्योंकि नए नए तरीके के अभी आधुनिक वर्तमान युग में नए नए तरीके के उद्योग स्थापित हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं उसकी उसका ये है कि जो कस्टमर है जो ग्राहक है उनकी निरंतर जो है आवश्यकताएं बढ़ती जा रही आवश्यकताइफ स्टाइल चेंज हो रही है जीवन स्तर चेंज हो रहा है अलग अलग तरह की आवश्यकताएं आ रही है और आवश्यकताएं ही आविष्कार की जननी है तो यदि आवश्यकताएं बढ़ रही हैं समाज से रिक्वायरमेंट आ रही है समाज से ये आवाज आ रही है कि हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए तो ज्यादातर युवा ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि यदि रिक्वायरमेंट है तो चलो इसका कल कारखाना हम बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देंगे और हम लाभ भी अर्जित करेंगे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बनी हुई है ठीक है तो ये सारी प्रोसेस जो रहती है उसके कारण हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित नहीं होना चाहिए ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो है किसका व्यवसाय का क्योंकि जिस जगह का पर्यावरण दूषित रहता है उस जगह में हम और आप भी रहते हैं समाज भी रहता है समाज रहता है पूरा उनको एक सुरक्षित एक स्वच्छ वातावरण होना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद में है अन्य क्षेत्र अन्य क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर यदि मैं बताऊं तो उसमें रहता है गरीबी परिवार नियोजन जीवन स्तर आवास सुविधाएं 21वीं सदी हेतु भारत को तैयार करना यह उत्तरदायित्व भी किसका है उत्तरदायित्व भी है समाज अपने व्यापार का ये समाज के लिए उत्तरदायित्व किसका है व्यापार का सबसे पहला गरीबी व्यापार का क्या उद्देश्य होता है व्यापार यदि लाभ कमा रहा है इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहा है तो उनको आर्थिक संपत्ति तो देगा ना आर्थिक एक सपोर्ट तो दे ही रहा है क्योंकि उनको वो काम दे रहा है बदले में वो पैसा देगा तो आर्थिक सहयोग दे रहा है आर्थिक मदद दे रहा है समय समय पर कर्मचारियों का सपोर्ट कर रहा है तो वो सबसे पहले भारतवर्ष से क्या हटाएगा गरीबी परिवार नियोजन के लिए कि हमारे देश की संख्या जरूरत से ज्यादा ना बढ़े उसके लिए भी उसे उपाय करना चाहिए जीवन स्तर व्यापार का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वो भारतवर्ष की लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में मदद करे आवास सुविधाएं जैसे कि मैंने बताया कि कर्मचारियों को लोगों को जुड़ी हुई लोगों को वो व्यापार आवाज सुविधाएं प्रदान करे हेतु भारत को तैयार करना ठीक है मतलब कि हमारे इक्कीसवीं सदी हेतु मतलब ऐसे व्यापार को हमारे व्यापार को ऐसे से नए आइडियाज लाने चाहिए ऐसे से नए आविष्कार करवाने चाहिए करने चाहिए अपनी सोच द्वारा ठीक है अपने हौसले द्वारा की वो हमारे भारतवर्ष को बहुत ही उन्नति बहुत ही तरक्की पर लेकर के जाए तो मैंने आप लोगों को जो पॉइंट क्लियर किए हैं बिजनेस एंड सोसाइटी, व्यवसाय व्यवसाय और समाज, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे और उससे आपका एक लेसन कंप्लीट होता है क्योंकि ये आपका सेकेंड लेसन है बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन का सेकेंड जो लेसन है वो है बिजनेस एंड सोसाइटी व्यवसाय और समाज और इसी आधार पर आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे और लिखने पड़ेंगे तो आप इजी यदि ये लेक्चर्स को आप ध्यान से सुन रहे हैं ये लेक्चर को मेरे ध्यान से समझा होगा आपने तो आराम से आप इसको इजी बिल्कुल आसान तरीके से इसके जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप लिख सकते हैं मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया नहीं तो आप इसको फिर से एक बार रिपीट करके देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच